बहुत वड्डा साडे वास्ते खुशी का दिन आ, बहुत वड्डा राहत का दिन आ और महाराज की कृपा सदके चढ़ती कला का दिन आ। जदों गुरु रामदास पातशाह जी सच्चे पिता परमेश्वर के दर से उस मालिक का कोटान कोट धनवाद करने वास्ते आए हाँ जिस मालिक ने सरदार रणजीत सिंह भाई रणजीत सिंह बल बख्शिया इस लड़ाई लड़न का, दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी और दिल्ली के सिखां नूं यह बल बख्शिया इस लड़ाई चो इन बाहर कढ़न का, और वह केस जिस दे उत्ते सरकार दीआं सारीआं धारावां लगा दित्तीआं होण, देश द्रोह तो लैके जो पुलिस ते वार करन तो लैके पुलिस नूं मारन ते धमकी देण तो लैके 307 पुलिस ते हमला करन तो हर धारा लाई जिस लोगों दीआं चार चार पांच पांच साल जमानतां नहीं हुंदीआं, गुरु साहब ने आप कृपा करके ते रणजीत सिंह नूं 45 दिनां च बाहर लैके आंदा। बस असीं गुरु साहब दे चरणां च इह बेनती करन वास्ते आए हां, गुरु साहब जिवें तुसीं हुण तक साडी पत रखी आ, जिहड़े किसान अंदोलन च पुलिस वालियां ने तशद्दुद रणजीत ते कीती सी, साडी भी गुरु साहब चरणां च इह अरदास आ, इहदे 45 दिन लगे, उहनां दे 47 दिन उसे जेल च रवांगे जिस जेल च इहनां नूं रख्या सीगा, और नौकरियां तों डिसमिस करावांगे और देश नूं संदेश देवांगे कि जिहड़ा खालसा है वह कदी भुलदा नहीं, अपने ते होई तशद्दुद नूं इस लड़ाई नूं लड़ांगे और उन्हां पुलिस वालियां दे खिलाफ कार्रवाई करावांगे। केंद्र सरकार हिली पई, उन्होंने घर भूचाल आया पाया, उन्होंने गवर्नर उन्होंने इतिहास पढ़ाई जा रहे हैं, तुम पूछ रहे जे हिलदी नहीं हो रही लड़ाउणा किवें जे हुण, सरकार बुद्धे पास सुटनी है, सरकार ते भूचाल आया पाया वी 8.5 रिश्टर स्केल का, जदों उन्होंने गवर्नर स्टेजा ते कहण लग पण होर की गल रह जांदी है, अज सरकार नूं बब्बर शेरां ने पढ़ने पाया होया, तां ही सरकार गल्लां नूं तैयार होई, तां ही सरकार 2 साल इन्हां नूं रद्द करन नूं तैयार होई, इक छोटी गल नहीं हैगी, बहुत वड्डी जित आ, इस जित नूं आपां महसूस करिए। सरकार अपना जोर ला के देख ले, आ वी तां जोर ही लाया सी, 45 दिन दे उस तख्त दी हार होगी, इस तख्त दी जित होगी, आखिरकार सच्चाई दी जित होनी है, सच्चे तख्त दी जित होनी है, गुरु साहब दी तरफ दी जित होनी है, सरकारां तख्त दी जित हो नहीं सकदी। भाजपा दे आगू दा कहणा कि पंजाब दी सरकारां किसानां नूं गुमराह कर रही है, पढ़े लिखे लोगों नूं भाजपा गुमराह करने की कोशिश कर रही होगी, बच्चे अज लोग पढ़े लिखे किसान का बच्चा जिहड़ा उह लॉ ग्रेजुएट आ, जज आ, वकील आ, बरिस्टर आ, उन उह बेवकूफ नहीं हैगा, सरकार तशद्दुदां भी करदी आ और फिर टीवी चैनल उन्होंने अपने ने इस करके सानूं बदनाम भी करदी आ, बाकी भाजपा के आगू की कहते मैंने नहीं पता, पर मैंने एक गल जरूर पता है भी सरकार जिन्नी मर्जी कोझियां कम हो कामयाब, 300 उपर किसान शहीद हो गए अपने हक वास्ते, बड़ा अफसोस है, दुख है इस गल का, कोई छोटी गल नहीं हैगी, इतिहास के अंदर नहीं इस तो पहला शायद होया, पर फिर कोई गल नहीं, शेरों नाल वक्री होंदी आईयां वक्री होंदी होणगी। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰੇ 1 ਵਜੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਜੋ ਕਿ ਕਾਜਮਪੁਰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਜਮਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੁਪਹਿਰੇ 1 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਆਮਦ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਸ਼ੇਰ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਉਹ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਸ਼ੱਦਤ ਝੇਲ ਕੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਸੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਾਜਮਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਦੁਪਹਿਰੇ 1 ਵਜੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਿਓ ਜੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਰਸੋਂ ਮਤਲਬ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰੇ 1 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੂਗਾ ਔਰ ਹੁੰਮ ਮਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣ ਔਰ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਢੋਲ ਢਗਾੜੇ ਨਾਲ ਨਗਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਡ ਵਾਜੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।